हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर 12 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में बीते रोज चुनावी में लगी कर्मचारियों की पहली रिहर्सल करवाई गई और कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में रिटर्निंग ऑफिसर शिमला शहरी भानु गुप्ता और चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। SDM शिमला शहरी एवं रिटर्निंग ऑफिसर भानु गुप्ता ने बताया कि करीब 500 कर्मचारियों को सुबह 3 घंटे चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। कर्मचारियों को बताया गया कि EVM मशीन कैसे काम करती है और VVPAT उसके साथ कैसे अटैच किया जाता है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। 2 सेशन में 500-500 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए जा सके। देखिए, जो ये हमारे इलेक्शन से रिलेटेड आज पहली रिहर्सल है, जिसमें लगभग हमारे 500 कर्मचारी फर्स्ट बैच में आए हैं, जो आज 10 से 1 बजे तक ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है। इसमें जितनी भी बेसिक जो ट्रेनिंग है, चाहे वो पोल प्रोसेस को लेकर के है, पोलिंग अफसर, प्रेजाइडिंग अफसर, APRO की क्या क्या ड्यूटी रहती है, उससे रिलेटेड आज ये रिहर्सल रखी गई है। तो इसमें जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से और जो हमारे वीडियो के माध्यम से और जो डिटेल्ड में पूरा जो है इनको बताया जाएगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रेजाइडिंग अफसर की, APRO की और पोलिंग ऑफिसर की रहेगी, कंप्लीट पोलिंग पार्टी कैसे पोल के दिन काम करेगी, और इसके साथ साथ जो हमारी EVM की डेमोस्ट्रेशन है, जिसमें हमने जो ट्रेनिंग की EVMs हैं वो भी ट्रेनिंग हॉल में इनके डेमोस्ट्रेशन के लिए रखी है, जिसमें हैंड्स ऑन जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से हमने जो है EVM को ऑपरेट करना है, किस तरह से EVM काम करती है, कैसे VVPAT उसके साथ लिंक होता है, और जो डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं, चाहे वो CU है, BU है, चाहे VVPAT है, उसके किस तरह से होते हैं। तो आज कंप्लीट जो है ये लगभग 3 घंटे की ट्रेनिंग हमने रखी है, जिसमें हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा, और जो सेकंड सेशन है हमारा वो 2 से 5 रहेगा, जिसमें भी लगभग हमारे 500 के आसपास कर्मचारी सेकंड सेशन में भाग लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी हमारा पोल प्रोसेस होता है, उसका कैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से जो है पोलिंग करवानी है और EVMs को कैसे हैंडल करना है, वो सारी जो ट्रेनिंग आज पोलिंग पार्टीज को दी जा रही है इसमें। वही दूसरी ओर धर्मशाला में भी चुनावों के मद्देनजर प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान धर्मशाला के करीब 896 उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिन्होंने निकट भविष्य में बूथों पर जाकर मतदाताओं को मतदान करने और करवाने में मदद करनी है। इस बाबत जानकारी देते हुए SDM धर्मशाला शिल्पी वेक्टा ने कहा कि ये प्रशिक्षण शिविर का पहला फेज था, जबकि 2 अन्य चरण भी होंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कर्मचारियों को EVM और VVPAT को संचालित करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचता है तो उसे हर लिहाज में मतदान करवाने में सहूलियत होनी चाहिए, न कि किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में अगर दिव्यांग भी आते हैं तो उनसे कैसे वोट करवाना है, ये भी जानकारी साझा की जा रही है। देखिए, जो हमारा चुनाव होता है उसमें हम पोलिंग पार्टीज बनाते हैं, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और साथ में उनके 3 या 4 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं जो ड्यूटी पे होते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी ट्रेनिंग का फर्स्ट शेड्यूल जो आज जारी किया है, और यहाँ पे 896 हमारे कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए हमने बुलाया है और अपना ट्रेनिंग प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। ट्रेनिंग में मुख्यतः हम यह बताएंगे इनको PPTs के ज़रिए कि किस तरह से EVM VVPAT को यूज़ किया जाता है, कैसे आप उसमें ध्यान रखेंगे, प्लस हमारे साथ जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको अलग से यह समझाया जाएगा कि इलेक्शन के दौरान हम डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, जैसे कई बार कोई ब्लाइंड वोटर्स आ जाते थे या कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मतदान करना नहीं आता है, मुझे बताइए, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं उनको। प्लस पोलिंग स्टेशंस को कैसे सेटअप किया जाता है, पोलिंग पार्टीज एडवांस में मूव करती हैं तो क्या तैयारियाँ करनी है, किस हिसाब से करनी है, आज उस विषय में पहली ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, इसके बाद 2 ट्रेनिंग्स और शेड्यूल की हैं हमने, वो नवंबर की पहली वीक में ही हो जाएंगी। तो अभी पहला दौर शुरू है, जो यहाँ पे लोग आज ट्रेनिंग में आए हैं, रेंडमाइजेशन के बाद वो किसी और सब डिवीजन में, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अपनी ड्यूटीज देंगे। कई बार EVMs में जो है दिक्कत खासतौर से वोटिंग के दौरान देखने को मिलती है, उस संदर्भ में भी कर्मचारियों को जो है। हाँ जी, हमारे पास डूज एंड डोंट्स है कि किस तरह से आपने EVM को जोड़ना है, कैसे कनेक्शंस बनाने हैं ताकि उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज EVMs मैल फंक्शन होना, इसका बहुत ही कम जो हम कहेंगे रेट या रेशियो रहेगा, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रहे और हमारे लोग कम से कम इसमें एरर करें। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।